सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल DDA जैसे एस्पिरेंट्स का स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है? तो बस मेरे तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, ठीक है? टेंशन फ्री रहना, एग्ज़ाम सेंटर पे थोड़ी देर पहले पहुँच जाना, एकदम फाइनल टाइम पे मत पहुँचना कि टेंशन रहे, ठीक है? और रिलैक्स होकर एग्जाम देना। एग्जाम में कोई मार्क्स गेन नहीं करने, सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक? उसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होने, क्वालिफाइंग है। और जैसे CPT का जो एग्ज़ाम होगा, जो कंप्यूटर का आपका जो एग्ज़ाम होगा, उन्होंने शायद 40% बोला है, मतलब 50 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन उनको आपको सही करना है। तो मेरे ख्याल से आप 25 तक सही करना है ना। अगर आप 50% क्वेश्चन सही कर दोगे तो आप ठीक रहोगा, कोई टेंशन की बात नहीं आगे, ठीक है? क्योंकि उन्होंने जो 40% बोला था वो केस एज अ बेसिकली उन्होंने स्किल टेस्ट के लिए लिखा नहीं था कि स्किल टेस्ट के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप 25 तक करो, 25 बहुत अचीवेबल है, बहुत आराम से हो जाएगा, तो उसमें टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, रिलैक्स माइंड से एग्जाम देना है। अभी तक जितना हो गया हो गया, कल जाके एकदम बस फोड़ दो, ठीक है? टाइपिंग कर देना। और टाइपिंग का जो सीन है, देखो सीन ऐसा है ना कि सर 100% एक्यूरेसी या एक्यूरेसी, देखो बात यह है कि दो तीन गलतियां, पांच गलतियां, 10 गलतियां सबसे होती हैं, पूरा कोई नहीं सही कर सकता। अब उसका सीन जो होगा ना, जैसे मान लो कि 500 वर्ड है, एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 500 वर्ड है, 500 वर्ड है, और आपने 350 किया 10 मिनट में, तो आपकी स्पीड बन जाएगी कितनी, 350 WPM वर्ड पर मिनट, मतलब सॉरी मतलब 35 WPM, ठीक है? तो बस ये सीन होता है बेसिकली। सब इसमें यार थोड़ा बहुत ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत गलतियां सबसे होगा, ऐसा तो ऐसा है नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि एक्यूरेट वर्ड डिवाइडेड बाय टाइम से आपकी स्पीड देखी जाएगी, है ना? वैसे एक्यूरेसी भी देख लेंगे भाई, क्या थोड़ा थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, 100% एक्यूरेसी कोई नहीं कर सकता है। कोशिश ये करना कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे, ठीक है? एक दो गलतियाँ चलती हैं, ब्लंडर गलतियाँ नहीं चलती हैं, ठीक है? तो बस मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, आप लोग रात को अब आराम से सो, रिलैक्स रहो, आराम से 20, देखो टाइपिंग में तो कुछ पढ़ना है नहीं, वो तब जाकर टाइप करना है, प्रैक्टिस आपकी हो ही चुकी है। और जैसे मैं आप लोग इतना पढ़े हुए हो कि 20-25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, तो रिलैक्स रहो, अब कुछ नहीं करना है, अब सुबह उठो और अपना जाके एग्ज़ाम दे आओ। बहुत लोग, अभी हो सकता है ट्रेन में भी होंगे, ऐसा कुछ सीन भी होगा लोगों का, है ना? तो बस आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। टेंशन नहीं लेना है बेसिकली, ठीक है? टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, फ्री होके रिलैक्स होके एग्जाम देना है बस। और जैसा रहेगा मुझको प्लीज बताना, ठीक है? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर टेलीग्राम पे आप सब जुड़े ही हुए हो, और मुझे फोन भी करना वहाँ पे, वहाँ से कि जैसा मुझे पेपर रहेगा जरूर मुझको बताइएगा, ठीक है? जिससे पता चलेगा कि क्या सीन रहा है एग्जैक्टली एग्जाम का, ठीक है? तो बस इतना ही आपको बताना था, आपको शुभकामनाएं, आशीर्वाद देना था, प्यार देना था, और निश्चिंत होके एग्जाम दो एकदम, ठीक? चलो मिलते हैं, आपने बहुत मेहनत किया यार, तो परेशान नहीं हो, आपने बहुत मेहनत किया, अपने पे भरोसा रखो, बस माता पिता का आशीर्वाद लो, जाके एग्जाम दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना? चलो मिलते हैं अगली क्लास में, राधे राधे, जय हिंद, और ख्याल रखो अपना, और इस समय रिलैक्स होके सो जाओ आराम से, ठीक है? टाटा।